अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जय हिंद। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेस। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगेन जो चैप्टर था हमारा द लास्ट लेसन, इसको आगे कंटिन्यू करना है। बहुत दिनों बाद मिल रहा है, नो ओके। सो बीच में कुछ ना कुछ हो रहा था, कभी कोई ओकेजन हो रहा था, कभी कोई, जैसे अभी देखो गांधी जयंती वाले दिन क्लास नहीं हो पाई थी। सो अगेन कोई बात नहीं, रिज्यूम करते हैं। जो आखिरी मैंने आई थिंक आपको कराया था, दैट वॉज अ शॉर्ट समरी, दैट इज ओवर। सो आज हमें जो कंटिन्यू करना है वो चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है। विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल फॉर टुडे, एंड उसके बाद में अपना एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे इसके ऊपर। इस पर एक मूवी है हॉलीवुड में, उसको मैं आपको दिखाऊंगा पर्टिकुलर चैप्टर पे, ओके। एंड देन विल मूव टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, राइट। सो इंश्योर कर लो आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ओके, कन्फर्म कर दो। एम आई ऑडिएबल बच्चा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है पूरी? If I am audible, give me a thumbs up. अगर audible हैं तो yes sir लिख दो या thumbs up का साइन बना दो। Hurry up student. A very good evening again. आदित्य कुशवाहा present. बाकी लोग भी अपना attendance लगाओ जल्दी से। हर्ष त्यागी आ जाइए, very good. रितिका सिंह, चलो जी let's continue. Okay, so good हर्ष, शाबाश, ठीक है। So अब अपना आगे का काम शुरू करना है, so let's begin. बाकी इन सब पोर्शंस का मैंने आपको पीडीएफ दे दिया था। सो व्हाट वी आर स्टडिंग इज, ठीक है, द स्टोरी बाय, कहते हैं अल्फोंसो डॉडेट ने जो लिखी थी, अल्फोंसो डॉडेट ने जो स्टोरी दिया था, दैट इज द लास्ट लेसन। इसके ऊपर हमारा डिस्क्रिप्शन चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या पोर्शन कवर हो चुका है, यू मस्ट चेक योर प्रीवियस वीडियोज। इसके अंदर जो मैंने कवर करा दिया है ऑलरेडी, ठीक है, वो है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की आज बात चलो कर लेंगे, लेकिन आज शॉर्ट डिटेल्स आपको मिल चुकी हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट रखना, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। एंड आज का जो काम है, दैट इज योर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ओके। एंड पॉसिबली अगर टाइम बचता है तो दैट वीडियो बचा है टॉक्ड अबाउट, ओके। सो आ जाओ भाई अगले काम पे, ये पूरा हम लोग कर चुके हैं, ध्यान से देख लो, वीडियोज में आपको ये पूरा मिल जाएगा। शॉर्ट समरी मैंने आपको पूरी बता दी है, प्रीवियस वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। This is all what we have done, हो चुका है। Now characters की बात कर लेते हैं, एक बार revise कर लेते हैं characters को, बहुत ध्यान से देखना। These are some important points, इससे आपके short questions बन सकते हैं, one mark वाले objective question बन सकते हैं, okay? So this is about France. France के बारे में कुछ important बातें हैं, ठीक है, in a summarized manner, आप लोग ध्यान से note कर लेना, बाद में PDFs after this classroom आपको मिल जाएगा, ठीक है। So देखो क्या ध्यान रखना, France जो था, ठीक है, जो स्पीकर है, जो पर्सन जिसने स्टोरी के बारे में अपना पूरा नरेट कराया, उसको नरेटर ऑफ द स्टोरी है कौन है, फ्रांस है, ठीक है। सो फ्रांस के बारे में बहुत बात ये आती है भाई, पहली बात ये है, एक लड़का है जो कहाँ रहता था, फ्रांस में रहता था, एल्सेस डिस्ट्रिक्ट में रहता था, ठीक है। फ्रांस वॉज अ यंग बॉय लिविंग इन एल्सेस, ठीक है। फिर लिखता है इसके बारे में कि ही गॉट लेट फॉर स्कूल दैट डे, उसको स्कूल जाने में काफ़ी देर हो गई थी उस दिन, ठीक है। देन उसके बाद अगला है, सो ही डिसाइडेड टू स्पेंड अ डे आउटसाइड, उसको चीज़ें अट्रैक्ट करी थी, ठीक है, चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा था उसको, सॉ मिल अट्रैक्ट कर रहा था, एंड ऑल दोज थिंग्स अराउंड हिम दे वर अट्रैक्टिंग हिम, ठीक है। फिर निकलता है, उस दिन वो डर रहा था स्कूल जाने से, बिकॉज जो मिस्टर हैमल ने उसको चैप्टर दिया था याद करने के लिए पार्टिसिपल्स का,
वो याद नहीं करा था उसने, सो ही वॉज बिट अफ्रेड ऑल्सो कि मिस्टर एम एम एल उसको डांटेंगे. एम एम एल कौन थे? उसके टीचर जो उसको फ्रेंच सिखाते थे, राइट. और जो उसने कहा था चैप्टर पढ़ने के लिए, दैट वॉज पार्टिसिपल्स था. पार्टिसिपल्स को हिंदी में पूर्वकालिक कहते हैं, ठीक है. पार्टिसिपल्स होता है जब हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं विद प्रेजेंट, ठीक है, तो उसके साथ में उसको बोलते हैं पार्टिसिपल्स. नाउ ही वॉज एंशियस दैट डे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, जब ही वॉज गोइंग टू स्कूल तो उसने देखा एक बुलेटिन बोर्ड था, उसके आसपास बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, ठीक है. तो एंशियस का मतलब होता है चिंतित होना, ओके. एंड दैट बुलेटिन बोर्ड ये होता है, देखो इस तरह का ये होता है बुलेटिन बोर्ड, ओके. सो इट्स वेरी मच लाइक कि वहाँ पे एक बोर्ड था, उसमें नोटिस चिपके हुए थे और उसको हिंदी में बोलते हैं सूचना पट्टा, ठीक है. उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला है सिक्स का, ध्यान से देखना अगेन, बाद में स्क्रीनशॉट लेना है इसका. लिखता है ही वॉज अफ्रेड ऑफ एम हैमल स्कोल्डिंग बिकॉज उसने चैप्टर तो याद नहीं किया था, बट ही वॉज सरप्राइज टू सी द चेंज कंडीशन इन क्लास रूम. जैसे वो पहुंचा, वो देखता है सब लोग बैठे हुए हैं पहले से ही, चुपचाप हैं सब लोग, ठीक है. सो अनलाइक द रेगुलर डेज, ठीक है. तो ये एक बात आई. ही रिपेंटेड फॉर नॉट लर्निंग इज लेसन. वाई? बिकॉज जब उसको पता चला कि डैट वॉज द लास्ट डे ऑफ दिस पर्टिकुलर, कहते हैं ना लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ तो जर्मन आ जाएगी. तो ही रिपेंटेड फॉर नॉट लर्निंग इज लेसन, ओके. उसको पछतावा हुआ. रिपेंट का मतलब मीनिंग निकलता है पछताना, किसी बात पर दुख होना, ओके. सो उसके बाद ये पॉइंट आता है कि जो पेट्रियोटिज्म की फीलिंग होती है, देशभक्ति की जो फीलिंग होती है, ठीक है, वो उसके अंदर दिखी. बिकॉज ही अगेन सडनली ही फेल्ट लव फॉर हिज लैंग्वेज एंड फॉर हिज टीचर, ओके. बिकॉज उसको थोड़ा सा इमोशनल हो गया था बंदा फिर वहाँ पे. वो फिर निकलता है अगली लाइन में, देखो ये कब हुआ था. व्हेन ही कम्स टू नो दैट दैट वॉज द लास्ट डे दैट फ्रेंच वुड बी टॉट इन द क्लास रूम, ओके. फिर देखो नंबर 10th पॉइंट जो है कैरेक्टर के बारे में, ये है कि ही इज़ वेरी सैड एट द डिपार्चर ऑफ हिज टीचर. मतलब जैसे ही वो देखता है कि ऊपर जो है रूम में उसके सिस्टर मिस्टर एम एम एल की जो सिस्टर हैं वो अपने ट्रंक्स वगैरह पैक कर रही हैं, दे आर मूविंग टू द कंट्री साइड, ठीक है. सो इन दिस केस अब उसको थोड़ा सा दुख हुआ अपने टीचर के लिए भी, बिकॉज ही हैड नेवर सीन एम एम एल सो सैड, ठीक है. वो दुखी थे, ही वॉज नॉट एबल टू से एनीथिंग, ठीक है. सो ही फेल्ट सैड फॉर हिज टीचर ऑल्सो, ओके. एंड उनके डिपार्चर के लिए, डिपार्चर होता है हिंदी में प्रस्थान के लिए, उनके वहाँ से जाने के लिए, ठीक है. सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो आपको पूछा जा सकता है इन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अबाउट द कैरेक्टर, ठीक है. तो ये कैरेक्टर्स केस था किसका? ये था फ्रांस का. फ्रांस जो था जो नरेटर ऑफ द स्टोरी था, ठीक है बच्चों. सो ये एक इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है. जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके रखो एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट पेज. हरी अब इसके बाद जो कैरेक्टर स्केच है मिस्टर एम हैमल का है. हरी अब बच्चों क्विकली क्विकली जल्दी से स्क्रीनशॉट है, सो ले लिया, डन. चलो आगे चलो बच्चा, एक सेकंड मुझे स्लाइड ठीक करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट. हाँ चलो लेट्स कंटिन्यू. चलो भाई लोग, ओके स्टूडेंट्स वापस आ गए. ये थोड़ा सा मार्कर की कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है. चलो जी नाउ आगे देखें. ये तो कैरेक्टर्स कैसा किसका? फ्रांस का था, ओके. आगे देखो नेक्स्ट पोर्शन निकलता है मिस्टर एम हैमल जो टीचर थे, ठीक है. एम एम एल के बारे में देखो क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल एम एम एल वो एक ट्रेडिशनल टीचर थे, ठीक है. उनको जो प्रेजेंट करा गया है स्टोरी में, ही वॉज इज बींग प्रेजेंटेड एज अ वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, टीचर जो अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने में एक्सपर्ट थे, ठीक है. सो ये निकलता है कि ही इज़ बींग प्रेजेंटेड एज अ ट्रेडिशनल स्कूल टीचर, यूजली वेरी स्ट्रिक्ट. मतलब वो बहुत सख्त होते थे, मतलब बच्चों को डांट करके या थोड़ा सा ना डरा करके, जैसे हमारे स्कूल में PTIs होते हैं, तो वेरी मच द सेम, डरा करके धमका करके काम करवाते हैं, तो वैसे वो काम करवाते थे. स्केल का यूज़ करते थे स्कूल में, रूलर का यूज़ करते थे, ठीक है. फिर अगला निकलता है ही वॉज अ फ्रेंच मैन, ठीक है. वो फ्रांस के नागरिक थे और वो एल्सेस में ही पढ़ाते थे, टीचिंग इन एल्सेस फॉर 40 years. वो पिछले 40 साल से एल्सेस में फ्रेंच पढ़ाते थे उस स्कूल में, ठीक है. उसके बाद ही अगला निकलता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ही वॉज वेरी सैड. जब बहुत जब उनको पता चला कि वो जो बर्लिन से ऑर्डर्स आए हैं कि वहाँ पे अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, सो ही वॉज रियली सैड, ठीक है. इतने सैड थे कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे. अब देखो ध्यान से, उस दिन वो कपड़े क्या पहने थे, इस पर बहुत एक मेजर क्वेश्चन बनता है अबाउट मिस्टर एम हैमल्स ड्रेस, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है दैट ऑन दैट डे ही वोर अ सेरेमोनियल ड्रेस. वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आए थे, जो कि क्या था, एक ग्रीन कोट था, ठीक है, एक फ्रिल्ड शर्ट थी. देख रहे हो क्या है फ्रिल्ड, ये जो हिस्सा है ये होता है फ्रिल्ड, ठीक है, जो हल्के से उसमें कर्व्स आ रहे हैं, ठीक है. सो ही वोर अ फ्रिल्ड शर्ट एंड एन एम्ब्रॉयडर्ड कैप, सिल्क कैप पहने हुए थे वो, जिसपे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, ठीक है. सो ये आपको ध्यान रखना था कि वॉट ही वोर वॉज अ कस्टमरी और अ सेरेमोनियल ड्रेस. सेरेमोनियल ड्रेस में क्या क्या था? अ ग्रीन कोट, ठीक है, अ फ्रिल्ड शर्ट, ठीक है, एंड अ ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप, ठीक है.
मेड उसके बाद देखो अगला क्या है, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बच्चों के लिए बुकलेट्स भी बनाई थी उस दिन, बिकॉज उस दिन राइटिंग क्लास जो थी उसमें बुकलेट्स बना के लेके आए थे वो, जो छोटे छोटे फ्रेंच फ्लैग्स के जैसे दिखती थी, ठीक है। उन बुकलेट का टाइटल क्या था, उन बुकलेट्स पे लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, ठीक है, दिस शोज हिज पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज एंड हिज कंट्री, ठीक है, ये ध्यान रखना था। उसके बाद अगला ऐसा देखो, ही वॉज वेरी पेट्रियोटिक, ये तो पूरी हमें जितना भी हमने स्टोरी पढ़ा है, ही वॉज सो सैड दैट फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी, एंड देन अगेन पेट्रियोटिज्म उनके लगातार दिख रही थी उसमें, ठीक है, ही वॉज वेरी पेट्रियोटिक एज अपील टू हिज कंट्रीमैन टू होल्ड फास्ट देयर मदर टंग। वो ये कहते हैं अपनी स्टोरी में कि जो गलती है ना यहाँ पे, गलती ये है कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कभी फ्रेंच लैंग्वेज को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, ठीक है। ही हिमसेल्फ ब्लेम्ड, अपने आप को ही बोला कि भाई मैंने भी ऐसा करा कि जगह पे फ्रेंच लैंग्वेज को बच्चों को ध्यान से नहीं पढ़ाया, जब मैं बच्चों को कहता था कि आके मेरे अपने गार्डन में पानी दो मेरी जगह पे, या वो फिशिंग के लिए चले जाते थे, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि वो भी अपने आप को ब्लेम करते थे, ठीक है। और फिर वो कहते थे कि अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपनी मदर टंग की रिस्पेक्ट करता है, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीखता है, तो जर्मन का जो ऑक्यूपेशन है, जर्मन ने उन्हें वहाँ पे एक तरह से इन्वेड करा, उनको जो अपने डोमिनेंस बता रहे हैं, लेकिन एस्केप फ्रॉम दैट डोमिनेंस, वो इसको प्रिजन बोलते हैं, ही सेज दैट इज अ प्रिजन, और जो की टू प्रिजन है वो होता है अपनी मदर टंग, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, जो हम लोग अपने देश में बोलते हैं, ठीक है। सो ये बोलते हैं दैट इज ही वॉज वेरी पेट्रियोटिक एज ही अपील टू हिज कंट्रीमैन टू होल्ड फास्ट देयर मदर टंग टू बी फ्री फ्रॉम प्रशियंस, जो प्रशिया था याद होगा, प्रशिया में तीन चीज़ें थी, ठीक है, तो इस केस के अंदर प्रशियंस जो थे उनसे अगर बचना है आपने, उनके डोमिनेंस से बचना है, उस प्रिजन से एस्केप करना है, सो यू मस्ट नो योर मदर टंग। उसके बाद जो बोलते हैं देखो इमोशनल होकर के और चीज़ें थी कि लास्ट डे क्या क्या था, ही वॉज इमोशनल एज ही कुडंट स्पीक आउट इवन, जो लास्ट में देखो सिर्फ हैंड के जेस्टर से कहते हैं क्लास डिसमिस्ड, ही वॉज नॉट एबल टू अटर अ वर्ड। फिर देखो अकॉर्डिंग टू हिम फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एज पर मिस्टर एम हेमल, तो इट वॉज मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है, द क्लियरेस्ट लैंग्वेज एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं इन दैट पर्टिकुलर स्टोरी, ठीक है, बाय अल्फोंसो डॉडेड, ठीक है, दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो बहुत एक तो सुंदर लैंग्वेज थी, ब्यूटिफुल लैंग्वेज थी, क्लियरेस्ट थी, साफ लैंग्वेज थी, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, बहुत समझ जल्दी आने वाली लैंग्वेज थी, ठीक है, इन द वर्ल्ड। ही अपील टू हिज कंट्रीमैन टू गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट, ठीक है, अपनी कंट्रीमैन को अपील करते हैं कि इस लैंग्वेज को कभी मत भूलना और इसकी इसका सुरक्षा करो, इसकी प्रोटेक्शन करो, ठीक है। फिर देखो उसके बाद वो ब्लेम करते हैं, ठीक है, किस पे, डिलेड एजुकेशन। वो ये बोलते हैं कि एल्सेस के जो लोग हैं ये एजुकेशन को कभी भी प्रायोरिटी नहीं देते, ठीक है, ये हमेशा एजुकेशन को बाद में सोचते हैं, कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज अगेन ही सेड कि पीपल ऑफ एल्सेस जो हैं दे आर ऑलवेज बिट ना कहते हैं कि अवे फ्रॉम दिस एजुकेशन फील्ड, ठीक है, एंड अपने आप को भी बोलते हैं, वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं फॉर पुअर लर्निंग ऑफ हिज स्टूडेंट्स, व्हाई, बिकॉज वो खुद ही अपने आप को कहते हैं जी मैंने बच्चों को बोला गार्ड में पानी दो, या फिर आकर के वो फिशिंग पे चला जाते थे अपने स्कूल को ऑफ करके, ठीक है। सो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी थी, एंड अ वेरी फेमस कोट जो उन्होंने बोला, ठीक है, विवल ऑफ फ्रांस जो बोल के जाते थे कि लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है, उन्होंने बोर्ड पे लिखा जाते हुए व्हेन ही फिनिशेस एंड्स हिज क्लास, तो बोर्ड पे लिखते हैं विवल ऑफ फ्रांस, ठीक है, तो ये सेंस आता है लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका ट्रांसलेशन क्या बनता है, लॉन्ग लिव फ्रांस, दिस अगेन शोज हिज पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड हिज लैंग्वेज, ठीक है। तो दिस इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर एम हेमल, इसके सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लो, सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हरिए बच्चों, टेक योर स्क्रीनशॉट, मैंने बोर्ड क्लियर कर दिया है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन पुट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स, मैं ट्राई करूंगा उसको, मैं आंसर दे दूं। ऑल ओके, चलो बच्चा आगे देखो फिर, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। चले स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल राइट, चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। ये देखना, ये कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन है ऑन रेगुलर डेज वहाँ पे क्या सीन होता था क्लासरूम का, और उस दिन जो लास्ट डे था फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का, उस दिन क्लासरूम में क्या हुआ था, ठीक है। देखो ध्यान से, जो नॉर्मल डेज होते थे ऑन रेगुलर डेज, ठीक है, जो क्लासरूम होता था वहाँ पे क्या होता था, हसल बसल होता था, शोर शराबा होता था, बच्चे इधर उधर भाग रहे होते थे, ठीक है। बट ऑन दैट डे, ऑन द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, वो जो था बड़ा चुपचाप था और सब कुछ बड़ा स्टिल था, सब लोग बड़े चुपचाप से थे वहाँ पे, बिल्कुल शांति थी वहाँ पे, ठीक है।
फिर लिखता है ये कि जो रेगुलर डेज होते थे वहाँ पे नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क आती थी, ड्रेसर में स्कूल में डेस्क होती है उसको खोलने बंद करने की आवाज़ आती थी, ठीक है। उसके बाद में लेसन्स वर बिंग रिसाइटेड इन यूनिसन बाय ऑल स्टूडेंट्स, मतलब लोग अपने लेसन्स जो थे वो एक साथ मिल करके जोर जोर से बोल करके उसको याद कर रहे होते थे, उसको रिसाइट कर रहे होते थे, ठीक है, ये रेगुलर डेज पे होता था। फिर बोलता है मिस्टर एम हैमल जो थे वो क्या करते थे, अपने रूलर को लेके स्ट्राइक कर रहे होते थे बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए, उसको मार रहे होते थे रूलर को जोर जोर से टू डिसिप्लिन द स्टूडेंट्स, ओके। एंड ओनली टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, इन द क्लासरूम होते थे और कोई नहीं मिलता था वहाँ पे, सिर्फ बच्चे होते थे और उस दिन वहाँ पे सिर्फ उनके स्टूडेंट्स होते थे और मिस्टर एम हैमल होते थे, ठीक है। लेकिन जो लास्ट डे था उस दिन क्या हुआ है, तो सब लोग बड़े चुपचाप थे। दूसरा देखना है कि सब लोग पहले से ही सीटेड थे, मतलब जैसे ही फ्रांस ने खिड़की से जाके देखा सो एवरी वन वॉज ऑलरेडी सीटेड, सब लोग पहले से बैठे हुए थे। फिर मिस्टर एम हैमल जो थे वो रूलर को अपने ना इस तरह से हाथ में दबा करके, यूँ उस तरह से हाथ में दबा करके सब जगह पे घूम रहे थे, ही वॉज नॉट स्ट्राइकिंग द रूलर डैट डे। उसके बाद अगला है कि मैनी विलेजर्स, गांव के और लोग भी थे वो भी उस दिन क्लास में बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे, जो बेंचेस यूजुअली एम्प्टी रहती थी वहाँ पे आकर के गांव के लोग बैठ गए थे, ठीक है। उनमें कौन कौन थे, ओल्ड हाउसर थे, ठीक है, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे फॉर्मर मेयर्स थे, ठीक है, वहाँ पे फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जो उस दिन क्लास में बैठे हुए थे जो नॉर्मल डेज में नहीं होता। तो दिस इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन किसके बारे में, रेगुलर डेज एंड दैट लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक पूछ रहे हैं लैपटॉप में कैसे लिया जाता है, लैपटॉप में शायद नहीं ले पाओगे आप, ठीक है, आपको मैं पीडीएफ सप्लाई करूंगा इसकी, डोंट वरी, ठीक है, लैपटॉप में नहीं आ पाएगा, ठीक है, इसके लिए पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अगर फ़ोन पे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर फ़ोन पे नहीं हो कोई बात नहीं, बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नीड नॉट वरी बच्चे, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। चलो बच्चा आगे देखो फिर, इसका मीनिंग तो क्लियर हो गया ना, कोई चीज़ तो दिक्कत नहीं आ रही है। देखो आदर्श ने कुछ हिंट दिया हमें, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन देख लो अगर आप कर सको तो, वरना अगर नहीं कर पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोकस ऑन योर स्टडीज राइट नाउ, बाद में फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले लेना यार, बाद में वीडियो दोबारा देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फ़ोन पे यूट्यूब ऑन कर लेना, नो प्रॉब्लम्स, ओके। चलो भाई आगे देखो, अब आ जाते हैं हम लोग अपने वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन पे, लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन पे। आप लोग अपनी बुक खोल के रख लो, फ्लेमेंगो का जो चैप्टर नंबर वन है आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसे ओपन कर लो, ठीक है, ये सब उसमें एज इट इज मिलेगा, जहाँ पे दिक्कत है साथ साथ रीड करना मेरे, जहाँ दिक्कत है बता देना, ठीक है। चलो जी नाउ सीखना शुरू करते हैं वापस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, विद मीनिंग्स लिखते हैं। आई स्टार्टेड, अभी आई कौन है, ये आई है फ्रांस, आई जो है दिस इज फ्रांस, ठीक है। आई स्टार्टेड लेट फॉर स्कूल, ठीक है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ड्रेड ऑफ होता है भाई डर लगना किसी चीज़ का, टू बी वेरी अफ्रेड, ड्रेड ऑफ का मीनिंग आता है टू बी स्केर्ड या फिर टू बी अफ्रेड। आई वॉज इन ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, ठीक है, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मतलब वो बोलता था कि मुझे डर लग रहा था, आई वॉज अफ्रेड, ठीक है, मतलब एम हैमल जो थे मुझे डांटेंगे क्योंकि मैंने तो पार्टिसिपल पर चैप्टर याद नहीं किया है, ठीक है। आगे देखो लाइन, फॉर अ मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है एक पल के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए, एक पल के लिए, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स, ठीक है, मतलब बोलता है कि मेरे को लगता है एक अचानक से मन में ख्याल आया, चलो यार आज स्कूल नहीं जाते, आज ना बाहर घूमते हैं, ठीक है, आज बाहर समय बिताएंगे पूरा, ये अचानक उसके मन में ख्याल आया, ठीक है, क्या लगता है, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, मतलब वो दिन जो था ना उस डे की क्वालिटी क्या थी, इट वॉज अ वार्म एंड अ ब्राइट डे, ठीक है, ब्राइट डे क्या मतलब बनता है, मतलब काफ़ी सनलाइट अच्छी थी और एक गर्म दिन था, विंटर्स थे वहाँ पे यूजली शायद, तो इसमें उसको गर्मी का दिन अच्छा लग रहा था, इट वॉज अ वार्म एंड अ ब्राइट डे, ये डे की कैरेक्टरिस्टिक से ध्यान रख लेना। द बर्ड्स वर चिरपिंग, बर्ड्स जो थी वो चहचहा रही थी, ठीक है, बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स जो होता है वो होता है जंगल के किनारे, वुड्स होता है फॉरेस्ट, ओके, वुड्स होता है जंगल, तो जंगल के किनारे जो था वहाँ पे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, दे वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट और द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक, ठीक है, द सॉ मिल, सॉ मिल होता है लकड़ी चीरने का कारखाना, ठीक है, आरा मशीन लगी होती है वहाँ पे लकड़ी को चीरा जाता है, उसके पीसेस बनाए जाते हैं, इट्स अ बिग फैक्ट्री काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है, क्या लिखते हैं, सॉ मिल, द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ठीक है, वहाँ पे क्या करते थे प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे, अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग,
अब देखो टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है, प्रलोभक, मतलब प्रलोभन देने वाला, आपको लुभाने वाला, आपको अट्रैक्ट करने वाला, जो आपको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो ऑल दिस वॉज ट्राइंग टू टेम्प्ट हिम और ट्राइंग टू अट्रैक्ट कौन, फ्रांस को, ठीक है। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, ठीक है, मतलब उसको लगता कि पार्टिसिपल्स का रूल क्या है यार, देखो मेरे सामने कितने सारे अट्रैक्शंस हैं, वार्म डे है, ठीक है, ब्राइट डे है, वहाँ पे बर्ड्स चेप कर रही हैं, वहाँ पे 100 मेल है, वहाँ से आवाज़ आ रही है, प्रशियन सोल्जर्स अपनी ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें तो पार्टिसिपल्स के आगे कुछ भी नहीं लग रही थी उसे, बट फॉर अ मोमेंट ही थॉट दैट, ठीक है। क्या लिखता है, बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करने की शक्ति, मतलब अपने आप को कंट्रोल करने की शक्ति, अपने आप को उस चीज़ से दूर रखने की शक्ति, ठीक है। बट देन ही रिस्ट्रेंड हिमसेल्फ, उसने आपको रेजिस्ट करा कि नहीं यार ये नहीं, गलत कर रहा हूँ, मेरे को जाना पड़ेगा स्कूल, ठीक है, ये चीज़ों से अट्रैक्ट कर रही थी। सो ही मेड अप हिज माइंड फाइनली, चलो भाई स्कूल चलना है। सो ही हर्ड ऑफ, हर्ड ऑफ होता है जल्दी जल्दी भाग जाना, तेज तेज भाग जाना, शीघ्रता से वो भागता भागता अपने स्कूल चला गया या स्कूल की तरफ चलना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया, दिस वॉज अ स्टार्टिंग पैराग्राफ। इसमें उसने बोला कि आपको जो डे था वो क्या मिला था, कि वो ब्राइट डे था, हैप्पी डे था एक तरह से, स्कूल के लिए वो लेट हो गया था, डर रहा था, ही वॉज इन ड्रेड, ठीक है, वाई, बिकॉज उसने चैप्टर याद नहीं करा था, क्या चैप्टर दिया था उसको पढ़ने के लिए एम एम एल ने, चैप्टर ऑफ पार्टिसिपल्स दिया था, ठीक है। प्रशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, वो ड्रिल कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा, फाइनली स्कूल गया नहीं गया, ही मस्टर्ड हिज करेज, ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, कहता नहीं मैं जाऊंगा स्कूल, चाहे कितनी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट कर रही हूँ, बट स्टिल आई गो, एंड ही स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स हिज स्कूल, वो भागना शुरू कर दिया उसने अपने स्कूल की तरफ। यहाँ तक ही हमें समझ आ गया, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट पार्ट लिखता है ये, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, ठीक है, जब वो टाउन हॉल के पास से निकल रहा था, ठीक है, देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, अभी आपको मैंने बुलेटिन बोर्ड दिखाया था ना, ठीक है, नोटिस बोर्ड, तो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के पास में थोड़ी सी भीड़ लगी हुई थी, व्हेन ही वॉज पासिंग, ठीक है, किस साइड से, टाउन हॉल के पास से। For the last 2 years, all our bad news had come from there. मतलब जो बुलेटिन बोर्ड था, ठीक है, ये था एक तरह से बैड न्यूज लाने वाला, इट वॉज अ हार्बिंगर ऑफ, मैसेजर ऑफ बैड न्यूज, ठीक है। पिछले 2 साल से वहां से, कितने साल से, 2 साल से, हाईलाइट करा देखो मैंने आपके लिए, ये questions में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स वहाँ से हमेशा बैड न्यूज़ ही मिल रही थी, और किस तरह की बैड न्यूज़ निकल रही थी, हारने की, द लॉस बैटल्स, ठीक है, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या था वहाँ पे, नक्शा, ठीक है, जो नया तरह का नक्शा बन के आया था वो भी कहाँ लगाया गया था, उस बोर्ड पे। अभी आगे जाके देखो उसमें, आपके बुकलेट में देखना, एक नक्शा बना के दिया उन्होंने, ठीक है, देखना उसमें कॉलोनाइज करा हुआ एलसेज और उसको अगले हिस्से को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वो न्यू ड्राफ्ट वहाँ से आया था, नक्शा बन के आया था, उसी बुलेटिन बोर्ड पर स्टिक किया गया था, ठीक है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब कहता है यार अब और क्या हो सकता है, ठीक है, बुरी न्यूज ही होगी वहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज वॉट ही सॉ एट द बुलेटिन बोर्ड, ही सॉ सम पीपल स्टैंडिंग देर, अ क्राउड ऑफ पीपल स्टैंडिंग देर अगेन, ठीक है। और वो कहता है कि इससे तो बुरी न्यूज ही आई होगी, अब और क्या बुरी न्यूज हो सकती है, ठीक है, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, ओके। आगे देखो, देन ही हरिड, हरिड होता है जल्दी जल्दी भागना, ठीक है। देन ही हरिड बाय एज फास्ट एज ए कोड, ठीक है। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ कौन होता है, लोहार, जो लोहे की चीज़ बनाता है, इज नोन एज अ ब्लैक स्मिथ, ठीक है। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, ब्लैक स्मिथ का नाम क्या था, वॉचर नाम था, ठीक है, नाम याद रखना है, इसका कैरेक्टर में पूछ सकते हैं, हु वॉज द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ वॉज वॉचर, ठीक है। तो ये ध्यान रखा, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, अब अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी, ठीक है, प्रशिक्षु कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में होता है ट्रेनी। जैसे अगर आप देखते हो, जब आप एक एग्जांपल देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स का एग्जांपल लेते हैं, एक डॉक्टर के पास एक कंपाउंडर होता है, ठीक है, प्रशिक्षु होता है, ठीक है, एक कहते हैं कि किसी के अंडर काम करने वाला जो होता है, जो सीख रहा है काम उससे, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नीचे आर्टिकल्स काम करते हैं बहुत सारे, तो वो कौन होते हैं, प्रशिक्षु होते हैं, ट्रेनी होते हैं, ठीक है। आर्मी में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हम ट्रेनी होते हैं उस समय, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अब जो अप्रेंटिस था उसका, ठीक है, उसका जो ट्रेनी था, ठीक है, रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, वो जाके बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था, ठीक है। तो क्या बोलता है, वॉचर है वो, ब्लैक स्मिथ है, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, ठीक है, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने फ्रांस को आवाज़ लगाई और बोला, डोंट गो सो फास्ट, बब, बब मतलब होता है एक तरह से, हम बोलते हैं ना बेटा, डियर, है ना, वैसे उनका एक स्लैंग है बब नाम से, ठीक है। तो डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब ही वॉज हरिंग, बेसिकली ही वॉज रनिंग, फ्रांस भागते हुए जा रहा था, तो वॉचर कहते हैं, भाई डोंट रन, तुम तो अपने स्कूल टाइम पे पहुंच ही जाओगे, ठीक है, ये बोलते हैं, बेसिकली ऐसा कमेंट, उसको कुछ अच्छी बात नहीं बोल रहा है, उस पर ताना मार रहा है, ठीक है।
आगे देखो, नेक्स्ट निकलता है कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ऑफकोर्स ही थॉट डेट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, ठीक है, एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटन गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब वो भागता भागता, ही वॉज रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग, ठीक है, एंड भागते भागते वो मिस्टर एम हैमल का जो स्कूल है वहाँ पहुँचा, और एम हैमल स्कूल के बाहर क्या था, एक गार्डन था, स्कूल जैसे शुरू हो रहा है वहाँ पे एक उनका गार्डन बना हुआ था, तो जैसे वो गार्डन में जाता है वो ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, सांस फूल रही थी उसकी, ठीक है, सांस फूलना जैसे आप रेस में नहीं जब भागते हो उसके बाद सांस फूलती है आपकी, तो अगेन ही वॉज हफिंग एंड पफिंग, ठीक है, तो उसमें सांस फूल रही थी उसकी। फिर बोलता है यूजली स्कूल बिगैन देर, जब स्कूल यूजली स्कूल शुरू होता था, अभी मैंने आपको कंट्रास्ट बताया था, देखो इसका, यूजली वेन स्कूल बिगैन देर वॉज अ ग्रेट बसल, बसल होता है हलचल, शोर शराबा, ठीक है, हसल एंड बसल विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द आउट इन द स्ट्रीट, मतलब इतना शोर होता था कि बाहर स्ट्रीट पर उसकी आवाज़ आती थी बच्चों की, ठीक है, द ओपनिंग एंड शटिंग क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन होता है एक सुर में एक साथ, जैसे स्कूल में नहीं हम लोग रिसाइट करते हैं एक साथ, टीचर हमें कहते हैं इकट्ठे बोलो सब लोग, कुछ याद करवाते हैं जब हमें वो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक साथ एक सुर में, वेरी लाउड विद आर, क्या लिखता है आगे लाइन देखो, ठीक है, विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स, मतलब इतनी जोर से बोलते थे कि कान पे से हाथ रख लेते थे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, फॉर टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग का मतलब क्या होता है, मारने की आवाज़, ठीक है, मारना, स्ट्राइकिंग हार्ड ऑन अ सरफेस, ये सब मीनिंग्स हैं, देखो ध्यान से, और ये क्या होता है, ऐसे करके ना जोर से ऐसे करके खट खट खट, ताकि हमारे को अटेंशन हमारे टीचर की तरफ जाए, ठीक है, तो ये सेंस आता था रैपिंग ऑन द टेबल का, बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, मतलब यहाँ तक तो रेगुलर की बात हुई, ये तो क्या था रेगुलर डेज, और यहाँ से आ रहा था वो हिस्सा जब उसको लगा यार आज क्या हो गया, आज इतना अलग सा क्यों है, बट नाउ इट वॉज क्या ऑल्सो स्टिल, आई क्या लिखा उसने, आई हैड काउंटेड ऑन, भरोसा करना, असल में क्या होता था, ये जो होता ना फ्रांस लड़का, ये जब लेट हो जाता था तो ये देखता था स्कूल में शोर शराबा हो रहा है, चलो चुपचाप से क्लास में घुस जाऊँगा, चुपचाप से एंटर कर जाऊँगा, पता नहीं चलेगा एम एम एल को, ठीक है, बट उस दिन क्या हुआ था, ही वॉज काउंटिंग ऑन दैट, वो तो भरोसा करे बैठा था शोर शराबे पे, ऑन द कमोशन, ठीक है, कमोशन क्या मतलब है, शोरगुल पे, ठीक है, टू गेट इन टू माई डेस्क, मतलब अपने क्लासरूम तक अपनी सीट तक पहुंचने के लिए शोर शराबे से चुपचाप 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 से घुस जाता था अंदर, लेकिन उस दिन तो चुपचाप था सब कुछ, ठीक है, तब क्या हुआ, ठीक है, देखो अगले लाइन में लिखता है विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट, ठीक है, एज अ संडे मॉर्निंग, मतलब जैसे एक संडे के दिन सब कुछ चुपचाप होता है ना, शांत होता है, हमारी सिटीज़ में लगा लो चुपचाप संडे के दिन स्टार्टिंग मॉर्निंग में बड़े शांत होता है, कोई भीड़ नहीं कुछ नहीं, ठीक है, लोग अपने घरों में होते हैं, ऑफिस जाना नहीं होता, ठीक है, तो लेकिन उस दिन क्या बना, जब उसको लगा तो मैं कमोशन होगा, शोर शराब होगा, घुस जाऊंगा भाई क्लासरूम में, पता नहीं चलेगा, लेकिन उस दिन तो सब चुपचाप था, वेरी मच लाइक अ संडे मॉर्निंग, इतना शांत था सब कुछ वहाँ पे, ठीक है, तो ये उन्होंने बताया इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ पे आ जाओ, लिखता है थ्रू द विंडो, मतलब स्कूल के पास जब आया, गार्डन से होके गया, ही सॉ सब कुछ चुपचाप है, फिर जाके विंडो से उसने झांक के देखा, थ्रू द विंडो आई सॉ माय टीचर, ठीक है, अब उस एंड हिज क्लासमेट्स, क्या लिखता है, थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, ठीक है, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, हाथ में सिर दबा करके वो ऊपर नीचे चल रहे थे, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मतलब मुझे क्या बना कि डोर खोल करके सबके सामने अंदर जाना पड़ा, क्योंकि उस दिन तो शोर शराबा था नहीं, कमोशन था नहीं, एंड उसको तो जाना पड़ा टीचर के आगे से, सबके आगे से, ठीक है, फिर बोलते हैं ये, यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड, ठीक है, हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश्ड मतलब होता है शर्माना या झेपना, ठीक है, कई बार होता है ना कि हमारे को कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस आ जाते हैं कि जब हमें शर्म आती है, शर्मिंदा होते हैं हम लोग, एम्बेरस्ड फील करते हैं, लाल लाल नहीं हो जाते उस समय, गर्मी लगने लगती है अंदर से एक, तो वो पॉइंट बनता है, उसको बोलते हैं ब्लश, ठीक है, रेड पड़ जाते हैं शर्म की वजह से, तो इस केस में बोलता है शो एम्बेरसमेंट और शेम बाय रेड टर्निंग ऑफ द फेस रेड, ठीक है, तो ये ब्लश्ड का मीनिंग आता है, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि भाई कितना मेरे को एम्बेरसमेंट हो रहा था और मैं कितना डरा हुआ था, ठीक है, क्योंकि कमोशन तो उस दिन था नहीं, चुपचाप से जा नहीं सका, ठीक है, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं हुआ, सरप्राइज पे सरप्राइज, उस दिन कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, फिर पूछता है ये, एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस वी वर बिगनिंग विदाउट यू, मतलब उस समय एम एम एल का तो नेचर ही पलट गया अचानक से, कहाँ तो एम एम एल ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर थे जो बच्चों को रूल ऑफ कहते ना स्केल से डरा करके रखते थे, ठीक है, यूज़ टू काइंड ऑफ बच्चे अफ्रेड थे उनसे, डरते थे फ्रांस के जैसे, वो स्कूल जाने से बच रहा था देखो, लेकिन उस दिन क्या हुआ, पहले तो सब कुछ चुपचाप, सब लोग पहले से बैठे हुए थे, कोई कमोशन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, फ्रांस को अपनी सीट पर पहुँचना पड़ा सबके आगे मिस्टर अहमद को देखते हुए, ठीक है,
अब अचानक से क्या हुआ, MML जब गया बस को तो था पड़ेगी डांट, मुझे शर्मा रही थी उसको बहुत, ठीक है। लेकिन MML ने कहा, बहुत काइंडली बोला, जाओ फ्रेंड्स अपनी सीट पे बैठ जाओ, तुम्हारे बिना ही हम स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। तो ये अचंबा हुआ उससे, सरप्राइज लगा अचानक से, ठीक है। आई जम्प्ट ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, ठीक है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट मतलब क्या होता है, फियर, ठीक है। मतलब जब वो अपनी सीट पर बैठा, ठीक है, वो अपने डर से उभर ही रहा था, उसको अपना डर कम होता हुआ ही मिल रहा था, अचानक उसने देखा, ठीक है, डिड आई सी दैट आर टीचर हैड, ठीक है, ऑन हिज, क्या पहने हुए थे वो, टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्लिट शर्ट एंड अ ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप, ठीक है। तो ये वो अपने पहन के आए हुए थे उस दिन, ठीक है, उनका ड्रेस कोड बताया उसने, ठीक है, कैप थी उनके पास, देखो ये था आपके पास कैप थी, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं एम्ब्रॉयडर्ड था पूरा, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट इंस्पेक्शंस। अब वो अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स कब पहनते थे, देखो या तो वो इंस्पेक्शंस के दिन पहनते थे या फिर वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के समय पहनते थे, ठीक है। तो बोलता है ही वॉज इन एस ट्रेडिशनल अटायर, ठीक है, विच ही वोर, कहाँ पे पहनते थे वो, यूजली ऑन इंस्पेक्शन डेज एंड प्राइस डेज, ठीक है। लेकिन उस दिन वो अपने उस समय ट्रेडिशनल ड्रेस में थे वो। फिर लिखते हैं बिसाइड्स, इसके अलावा, ठीक है, द होल स्कूल सीम टू बी सो स्ट्रेंज, मतलब उसने बड़ा अजीब सा लग रहा था स्कूल में पूरा, एंड सॉलम, सॉलम होता है सीरियस, गंभीर, एवरी वन वॉज सो सीरियस, एवरी वन वॉज सो सॉलम, ठीक है, दुखी थे, सैड थे उस दिन वो, ठीक है, ये सेंस आता है इसका। आगे देखो लिखते हैं ये, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट देवर विच वर ऑलवेज एम्प्टी, जो ज़्यादातर खाली रहते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, मतलब चुपचाप से आके विलेज पीपल वहाँ बैठे हुए थे, नॉर्मली तो खाली होते थे, लेकिन इसको और एक चीज़ अचंबा कर गई, और एक चीज़ सरप्राइज कर गई कि आज पीछे के बेंचेस पे तो कौन बैठे हुए हैं, विलेजर्स आके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, ओल्ड हॉजर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, ये देख रहे हो जैक स्पैरो ने क्या पहनी हुई है, जैक स्पैरो ने पहनी हुई है एक थ्री कॉर्नर्ड हैट, दिस इज वॉट वी कॉल अ थ्री कॉर्नर्ड हैट, ये रहा, ठीक है, दिस इज वॉट वी कॉल अ थ्री कॉर्नर्ड हैट, ठीक है। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, एवरीबडी लुक्ड सैड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करना है इसे ध्यान से, अंडरलाइन कर लेना, एवरी वन लुक्ड सो सैड, सब लोग इतने दुखी दिख रहे थे। एंड हॉजर, उस दिन उसके हॉजर के पास क्या था, एक प्राइमर थी, ओल्ड प्राइमर थी, प्राइमर बेसिकली ना एक बेसिक बुक होती है जिसमें हम लोग कहते हैं ना बेसिक एलिमेंट्री चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे स्कूल में नहीं होता था, एक एलिमेंट्री डिक्शनरी लेते थे आप लोग, एक एलिमेंट्री बुक्स होती थी हमारी छोटी क्लासेस में, तो उस तरह की बुक को प्राइमर कहते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है, लैंग्वेज के बेसिक्स लिखे होते हैं उसमें, अल्फाबेट्स होंगे, प्रोनाउंसिएशन होंगे, उसको बेसिक बुक इन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो बोलता है वो, हॉजर हैड ब्रॉट हिज ओल्ड प्राइमर, ठीक है, प्राइमर की बात बताइए, देखो डेफिनेशन यहाँ पे, प्राइमर इज अ बुक कंटेनिंग बेसिक फैक्ट्स अबाउट सब्जेक्ट विच जो यूज़ करते हैं, ठीक है, सम हु इज बिगनिंग टू स्टडी द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो अपने सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो, ठीक है, तो वो प्राइमर का यूज़ करते हैं, ठीक है। थम्ड एट द एजेस, अब जैसे हम जब बुक का ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो पेजेस फोल्ड हो जाते हैं साइड से, जब आपकी देखो पिछले साल की जो बुक्स थी उसके जब पेजेस देखोगे फोल्ड हो रखे हैं हल्के हल्के, क्योंकि आपने उसका यूज़ करा होगा बहुत ज़्यादा ऐसे, तो उसमें क्या बनता था, थम्ड एट द एजेस का मतलब होता है हैविंग बीन रेड ऑफन एंड बेयरिंग मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंट हैंडलिंग, मतलब वो पेज ही थोड़ा सा या तो फट जाता है या हल्का सा टर्न कर जाता है वो, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं, उसको बोला उसने एजेस पे वो थोड़े से क्या थे, थम्ब्ड थे। फिर बोलते हैं एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो अपने घुटनों पे ना ऐसे बीच में हम नहीं बैठते इस तरह से किताब को लेके घुटनों पे ऐसे बैठा हुआ था, ठीक है, नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, मतलब पहले तो उसने बुक रखी हुई थी, उस बुक के ऊपर स्पेक्टिकल्स रखे हुए थे बड़े बड़े उसके, ठीक है, और बुक को क्या रखा था, घुटनों के बीच में ऐसे दबा करके बैठा हुआ था, इस तरह से रखे घुटनों पे ऐसे बैठ गया था, ठीक है। तो दिस इज अगेन जो उसने बताया अबाउट हॉजर, हॉजर क्या कर रहा था, हॉजर सबसे पहली बात एक क्या पहने हुए था, वो थ्री कॉर्नर हैट पहने हुए था, हॉजर के पास एक प्राइमर था जिसकी एजेस थम्ब्ड थी और उसने उन एजेस को रखा हुआ था अपने घुटनों पर, ठीक है, एंड अगेन उसके बुक के ऊपर जो रखे हुए थे उसके स्पेक्टिकल्स रखे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आगे देखो अगले हिस्से पे चलते हैं ना, देखो आगे लिखते हैं, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग, ठीक है, मतलब सब लोग इतने सीरियस क्यों, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, ठीक है, MML माउंटेड हिज चेयर, मतलब MML जो थे अपने चेयर पर बैठ गए जा करके, ठीक है, इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव होता है सीरियस, वेरी सीरियस, गंभीरता से, सैड, सॉलम, ठीक है, सॉलम टोन में बोले, ठीक है, और जेंटली बोले, विच ही हैड यूज टू मी सेड, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, किस में लास्ट लेसन, फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है। लिखते हैं द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, ठीक है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरीन,
द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, मतलब जो फ्रेंच जर्मन पढ़ाने वाला मास्टर है भाई वो कल से आएगा, आज मैं लास्ट में लेक्चर दे रहा हूँ किसका, फ्रेंच लैंग्वेज का। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, कहता है भाई ध्यान से सुन लो, आज आखिरी लेसन है, आई वॉन्ट एवरी वन टू बी वेरी अटेंटिव। फिर अगला निकलते हैं, वॉट अ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप होता है अचानक से, कहते हैं ना इससे बिजली कड़कने की आवाज़ आती, थंडर की आवाज़ आती अचानक से, इट वॉज लाइक अ थंडर क्लैप टू फ्रांस, यार ये क्या हो गया अचानक से, है ना, ही वॉज शॉक्ड, उसको सरप्राइज क्या, उसको शॉक लगा अचानक से, यार ये क्या हुआ, है ना, बिजली गिर गई उसके सिर पे एक तरह से। तो इसमें ही वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ओ द रेचेस, ठीक है, हे भगवान, अरे ये था वो, दैट वॉज, ठीक है, पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, दैट वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, मतलब क्या ये था जो उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पे डाला, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था। इस केस के अंदर आपको क्या मिला, यहाँ पे फ्रांस वॉज शॉक्ड टू हियर दैट वॉज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, अब एमएमएल ने बताया उन्हें अपनी, ठीक है, तो यहाँ तक मुझे बात समझ आई, इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक बता दो क्लियर हो गया। अंकित गंगवार, एनडीए की बात क्यों कर रहे हो, अभी ध्यान रखो, एनडीए रिजल्ट इज आउट, चेक कर लेंगे, अभी यहाँ पढ़ लो बच्चा, ठीक है, फ्लो नहीं टूटना चाहिए, बच्चों का रिदम टूटता है, आई विल चेक अंकित, अभी चेक कर लेंगे, ठीक है, चलो भाई आ जाओ अगले हिस्से पे, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं ये, आज ही मुझे पैराग्राफ का पूरा हिस्सा करना है, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है, वी हैव लेस देन हाफ एन आवर लेफ्ट, ठीक है, चलो, जब समझ नहीं आए फ़ौरन कमेंट कर देना, लेकिन बेटा और कोई साइड टॉक नहीं चलेगा, ठीक है, अभी सिर्फ लिटरेचर पढ़ रहे हैं और ओनली लिटरेचर पर ध्यान जाना चाहिए, चलो बच्चों लेट्स कंटिन्यू। ना देखो माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मतलब मेरे को लिखना तक नहीं आता और आज तो आखिरी दिन हो गया फ्रेंच लैंग्वेज का, ठीक है, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, ठीक है, आई मस्ट स्टॉप देयर, देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मतलब अब यहाँ से मैंने कहा था रिपेंट स्टार्ट होती है, यहाँ से उसके अंदर जो था ना, मैंने कहा था ही वॉज रिपेंटिंग फॉर नॉट लर्निंग, ठीक है, तो उसको रिपेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, अब वो क्या करता था, ही यूज टू सीक, कहते हैं बर्ड एग्स, मतलब जाता था चिड़ियों के अंडे ढूंढता था जंगल में जाके, फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार ये है देखो, ठीक है, इसको सार कहते हैं, इसका सीन है बेसिकली, एक वहाँ पे ज्योग्राफिकल फीचर है सार का, ठीक है, रिवर है एक ये, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, न्यूसेंस होता है आफत, परेशानी, अनोइंग, चिढ़ने वाली बात, ठीक है, जो बुक्स उसको न्यूसेंस लगती थी अवाई लगो, सो हैवी टू कैरी, ठीक है, ठीक है, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ठीक है, दैट आई कुडंट गिव अप, मतलब उसको अचानक से उन सबसे फ्रेंडशिप लगने लगी जिनको वो छोड़ नहीं सकता था, ठीक है, उसको ये फीलिंग आने लग गई, एंड एम हैम्बल टू, ठीक है, लिखते हैं ये, द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी, क्रैंकी होता सनकी, बुढ़ापे में नहीं होता लोग सनकी हो जाते हैं, हाउ क्रैंकी ही वॉज, ठीक है, मतलब उसने जैसे ही देखा ये सारी बातें हुई कि ये लास्ट लेसन है, अचानक से उसको रिपेंट हुआ कि मैंने कभी पढ़ाई पे फोकस नहीं करा, मैं इधर उधर घूमता रहता था, सार पे चला जाता स्लाइडिंग करने में, ठीक है, फिर उसको एम हैमल की बात बड़ा दुख लगने लगा, ही वॉज वेरी मच सैड कि एम हैमल मुझे अब नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, ये सारी बातें आई, तो दिस इज़ वेरी मच, एंड अगेन अगेन क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि उसको जो अपने बुक्स थी जो उसको हैवी लगती थी, अचानक से उसको अपने फ्रेंड्स लगने लग गई, उसको अपने बेस्ट फ्रेंड्स लगने लगे, जो ग्रामर था, जो और पोर्शन जो उसको स्टडी हिस्ट्री वगैरह था, वो अचानक से उसको लगने लगा यार ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं, ओके, सो ही वॉज इमोशनल बेसिकली, ठीक है, फिर देखो आगे क्या लिखता है, पुअर मैन किसको बोल रहा है, वो मिस्टर एम हैमल को बोल रहा है, ठीक है, ही इज टर्मिंग एम हैमल एज पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, मतलब याद है वो जो ट्रेडिशनल अटायर पहन के आए थे, वो रिस्पेक्ट देने आए थे उसको लैंग्वेज को कि भाई लास्ट डे था, ही फेल्ट कि लास्ट डे शुड बी अ सेरेमोनियल, ठीक है, फेयरवेल टू द फ्रेंच लैंग्वेज, तो अपने सेरेमोनियल ड्रेस पहन के आए थे जो उसने संडे क्लोज के नाम से डिफाइन कराए, ठीक है, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, क्या लिखते हैं ये, नाउ आई अंडरस्टूड बाय द ओल्ड मैन इन द विलेज वर सिटिंग देयर, ठीक है, इन द बैक ऑफ द रूम, इट वॉज बिकॉज दे वॉज सॉरी टू, मतलब उनको भी दुख था, दे वॉज सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, स्कूल वो स्कूल कभी नहीं गए थे, इट वॉज देयर वे ऑफ थिंक थैंकिंग द मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स, ठीक है, ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोइंग द रिस्पेक्ट, ठीक है, फॉर द कंट्री वॉट वॉज देयर नो मोर, बिकॉज अब तो प्रशियंस आ गए थे, इन्वेट कर लिया था उन्होंने, एल्सेस लॉरेन को ने ऑक्यूपाई कर लिया था,
तो वहाँ जो पुअर मैन था, एक तो मिस्टर अहमद को उसे एड्रेस करता है, कितना बेचारा आदमी, देखो इसलिए अपने आज ये ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आया था, वेल ड्रेस होके आया था, जो यूजली वो पहनते थे प्राइस डे पे या फिर इंस्पेक्शंस पे, ठीक है। और फिर उसने सोचा, अच्छा इसलिए आज गांव के लोग वहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि अब जो लैंग्वेज है उसका लास्ट डे है, ठीक है, इस वजह से वहाँ वो बैठे थे ताकि वो रिस्पेक्ट दे सकें अपने मास्टर को, जो 40 ईयर्स से एमएमएस वहाँ पढ़ा रहे थे, उनको रिस्पेक्ट देने आए थे, ठीक है, एंड टू थैंक देयर कंट्री, ठीक है, जो अब उनकी नहीं बची थी, ठीक है। दिस इज वॉज द वे ऑफ थैंकिंग द मास्टर एंड शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द कंट्री, जो अब उनके नहीं थे बिकॉज वो तो स्लेव्स हो गए थे प्रशियंस के, ठीक है। आगे देखो, लिखता है कि व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल अबाउट दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, जब वो ये सब बातें सोच ही रहा था अचानक से उसका नाम पुकारा, किसने पुकारा, उसका नाम एम हैमल ने पुकारा, ठीक है, एम हैमल कॉल्ड हिज नेम, ठीक है, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट होता है किसी चीज को बोलना, ठीक है, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, वॉट वुड आई नॉट, लिखता है वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी, ठीक है, एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल, ठीक है, फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, ठीक है, मतलब उसने बोला कि यार वो ड्रेडफुल रूल था ना, जो भयानक रूल था ना पार्टिसिपल का, मैंने कोशिश करी कि मैं उसको बिना मिस्टेक के एक बारी में पूरा बोल दूँ, ठीक है, बट आई गॉट मिक्सड अप, मगर भाई वो कन्फ्यूज हो गया पहले ही वर्ड पर, वो आगे बोल ही नहीं पाया, ही गॉट कन्फ्यूज ऑन द वेरी फर्स्ट वर्ड, ठीक है, एंड स्टूड देयर होल्डिंग टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ये ऐसे खड़ा हुआ था, सोचो यूं इस तरह से मुंह नीचे करके, ठीक है। तो इन दैट केस दैट व्हाट हैपेंड, जब मिस्टर एम एमएल ने कहा भाई चलो भाई पार्टिसिपेट पढ़ के बताओ, उसने जोश से खड़ा हुआ, जी आज तो मैं पार्टिसिपेट पूरे पढ़ूंगा बिना रुके पढ़ूंगा, बट ही गॉट स्टक ऑन द वेरी फर्स्ट वर्ड, ओके। तो उसको अब वही चीज़ बताई कि मैं तो बोल ही नहीं पा रहा था, उसका हार्ट पाउंड कर रहा था, ठीक है, जो जो से हार्ट बीट्स चल रही थी उसकी, ठीक है, एंड वो ऊपर भी नहीं देख पा रहा था बिकॉज ही वॉज वेरी मच एम्बेरेस्ड, ठीक है। तो ये उसने बोला यहाँ तक। आगे देखो, लिखता है कि आई हर्ड एम एम एल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मतलब एम एम एल कहते हैं बेटा मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, ठीक है। हर्ष पूछ रहे हैं न्यूसेंस का मीनिंग होता है, न्यूसेंस का मतलब होता है सिरदर्दी, ठीक है, सिरदर्दी होता है न्यूसेंस का मतलब, अनोइंग, जो आपको गुस्सा दिलाए, ठीक है, ये मीनिंग है न्यूसेंस का हर्ष, ठीक है। चलो जी आगे आ जाओ वापस, क्या लिखता है कि आई हर्ड एम एम एल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, ठीक है, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा कि फ्रेंच लैंग्वेज खत्म हो रही है आज, तो इस वजह से तुम नहीं बोल पा रहे होगे। आई सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्स, ओके, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, मतलब पॉइंट ये बनता है कि हम लोग अपने आप को ना खुश करते रहते हैं, यार कल कर लेंगे ना, छोड़ो आज क्या करना, ठीक है, ये चीज़ है ना कि भाई टुमारो नेवर कम्स, ऐसे एक फ्रेज होता है हमारे पास, मतलब इस आलसेस के लोग जो हर चीज़ें हर चीज़ को कल के लिए छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, ये चीज़ बोली उन्होंने, ठीक है, कि प्लेंटी ऑफ टाइम, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड विल डू इट टुमारो, ठीक है, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, ठीक है, और अब तुम देखो हम अपनी लैंग्वेज तक नहीं बोल पाते, हम कहाँ पे खड़े हो गए आकर के, ठीक है। लिखता है कि दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, शी पुट्स लर्निंग टिल टुमारो, ठीक है। नाउ दोस फेलोज, अब ये दोस फेलोज कौन है, ये दोस फेलोज हैं ये लोग, ठीक है, ये जर्मन्स हैं, ठीक है, रेफर्स टू जर्मन्स, ठीक है। दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से, ठीक है, टू यू हाउ इज इट, ठीक है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड फ्रेंच मैन, तुम नाटक कर रहे हो कि भाई तुम फ्रेंच मैन के हो, तुम कहते हो कि तुम फ्रेंच हो, ठीक है, येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, मतलब वो कहेंगे तुम्हें जो जर्मन्स हैं, कहेंगे यार देखो तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हो, यू आर सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने लैंग्वेज को नहीं लिख पाते, तुम अपनी लैंग्वेज को बोल नहीं पाते और लिख नहीं पाते, ठीक है। आगे लिखते हैं ये, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी ऑल, देखो यहाँ पे आप सबको ब्लेम करते हैं, वी ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आर सेल्स विद, ठीक है, मतलब यहाँ पे रिप्रोच होता है डिसअपॉइंटमेंट, निंदा करनी पड़ेगी हम सबको अपनी ही, ठीक है, अपने आप को ही क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सिर्फ तुम्हें नहीं ब्लेम करना लिटिल फ्रेंड्स, हम सब लोग गिल्टी हैं यहाँ पे, ये कहते हैं वो, ठीक है। आगे लाइन देखो, नेक्स्ट ही सेज योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस, एंग्शियस होता है या तो उसमें वरिड होता है या फिर सीरियस होता है, ठीक है, एंग्शियस होता है या तो वरिड होता है या सीरियस होता है, ठीक है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव लर्न, हैव यू लर्न, मतलब तुम्हें स्कूल भेजने में इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन सेंडिंग यू टू स्कूल। फिर लिखते हैं दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स, मतलब बोलते हैं कि तुम्हें वो तो जाके कहते थे पैसे कमाओ, या तो फार्म पे जाके काम करो या जाके अर्न मनी, मतलब दे वर नॉट रेडी टू सेंड यू टू स्कूल, वेरी मच लाइक इन इंडिया, कई जगह नहीं तो जो गरीब परिवार होते हैं अपने बच्चों को स्कूल में नहीं डालते, दे सेंड देम टू वर्क, ठीक है, ताकि वो पैसे कमा सकें। इट्स वेरी मच द सेम थिंग इन एल्सेस, जो चल रहा था उस समय कि पेरेंट्स आर यूजिंग द चिल्ड्रन एज एन एड ऑन टू अर्न मनी,
ठीक है, वो चाहते थे भाई एक्स्ट्रा हमें इनकम मिल जाए फ्रॉम द वर्क ऑफ देयर किड्स, ठीक है। फिर लिखता है ये सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, एंड फिर लिखते हैं एंड आई, फिर वो अपनी बात करते हैं, ये आई कौन है, ये मिस्टर एम हैमल है। फिर वो अपने आप को बोलते हैं I have been to blame also, मतलब मेरे को भी ऊपर मेरे भी इल्ज़ाम लगता है, मैं भी ब्लेम करने के लिए हूँ। लिखते हैं have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson, and when I wanted to go fishing did I not just give you a holiday। मतलब उस समय वो दो काम करवाते थे बच्चों से, या तो फ्लावर्स में पानी डलवाते थे या वो छुट्टी पर चले जाते थे, ठीक है। तो ये अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, ठीक है, इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट लैंग्वेज एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज वेन पीपल आर इंस्लेव्ड, जब वो गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज, होल्ड फास्ट होता है किसी चीज़ को पकड़े रहना, ठीक है, टू कहते हैं कि टू चेरिश समथिंग और टू सेव समथिंग, ठीक है। तो ये बोलते हैं होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, मतलब जब तक वो अगर मान लो इंस्लेव भी हो जाते हैं, एंड इफ दे रिस्पेक्ट देयर मदर टंग, इफ दे नो देयर मदर टंग, तो सोचो उनके पास उस चाबी है उस जेल की, ठीक है। फिर निकलता है ये देन ही ओपन द ग्रामर बुक एंड रेड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर बुक खोली और अपना लेसन हमें पढ़ के बताया, ठीक है। आगे देखो, कोई मीनिंग में पूछना हो पूछ लेना। दिस इज द मैप, वो जो मैंने कहा था ना ड्राफ्ट आया था, ठीक है, ये वो ड्राफ्ट है, ये है वो हिस्सा एल्सेस और लॉरिन का, जो किसने ले लिया था, जर्मन्स ने, ऑक्युपाई कर लिया था, कहूँगा प्रशियंस ने ले लिया था, ठीक है, प्रशियंस ने इन्वेट करके उसको ले लिया था। आगे देखो, आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड होता चकित हो जाना, हैरान हो जाना, ठीक है। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मतलब लास्ट डे था, फ्रांस का पूरा फोकस पढ़ाई पर लगा हुआ था, ठीक है, तो जब जैसे उसको लगा कि अब मिस्टर एमएमएल ने ग्रामर का चैप्टर पढ़ के बताया, उसे सब कुछ एक बारे में समझ आ गया उसको, ठीक है, सीरियसनेस दिखती है ना यहाँ से उसको, क्योंकि उसको पता था ये चीज़ अब मुझे कल से नहीं मिलेगी। फिर लिखता है कि ऑल इज सेड सीम टू बी सो ईजी, ठीक है, कितना आसानी से समझ आ गया था उसे, ठीक है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विदाउट सो मच पेशेंस, मतलब इतना अच्छे से ना कभी मिस्टर एम हैमल ने समझाया था और ना ही कभी फ्रांस ने इतने अच्छे से समझा था, ठीक है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, फिर से वो मिस्टर एम हैमल को पुअर मैन बार बार एड्रेस कर रहा है, क्योंकि वो पुअर गरीब ही पैसे वाला पुअर मैन नहीं है, कहते हैं बेचारा आदमी आज इसका टीचर का लास्ट डे है, ऐसे बोल करके, ठीक है। वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ठीक है, एंड टू पुट ऑल इन टू आर हेड्स एट वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक का मतलब होता है कि भाई एक ही झटके में वो चाहते थे कि आज मैं सब कुछ सिखा जाऊँ आप लोग को, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कल से तो मैं आऊँगा नहीं, तो ही वॉज टीचिंग एट इज बेस्ट एंड स्टूडेंट्स वर लर्निंग एट देर बेस्ट, ठीक है, ये मान के चला। आगे देखते हैं ये, देखो ध्यान से, आफ्टर ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग, मतलब ग्रामर खत्म हुआ उसके बाद उनका राइटिंग लेसन आया, ठीक है। लिखते हैं दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग, वो हाथ से उसको लिख के लाए थे हैंड राइटिंग में, फ्रांस एल्सेस, दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग, ठीक है, एवरीवेयर इन स्कूल रूम, ठीक है, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, मतलब इसकी इमेजिनेशन है, वो उसकी इमेजिनेशन है फ्रांस की, जैसे यहाँ पे वो देखता है किताबों का जो रंग था जिस तरह से उनको लिखा हुआ था, तो इट वॉज लाइक कि ऐसा लग रहा था कि मान लो कि ऊपर से इतने पेट्रोटिज्म उसको आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि क्लास में से फ्रेंच के फ्लैग्स लटके हुए हैं, ठीक है, जो टेबल्स हैं उनके ऊपर फ्रेंच फ्लैग्स लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसा उसको फील आ रहा था, ठीक है, इट वॉज इज बेसिकली लाइक इज इमेजिनेशन, ठीक है। आगे देखो, फिर ये क्या लिखते हैं, यू ऑट टू हैव सीन, ठीक है, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, मतलब तुम्हें देखने लायक थी चीज़ कि कैसे सब लोग अपने काम में लगे हुए थे, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितना चुपचाप था सब कुछ। The only sound was the scratching of pen on over the paper. Scratching of pen, ऐसे देखो आवाज़ आ रही है आपको, इस तरह से zig-zig कर मैं लिख रहा हूँ तो हल्की खच 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 की आवाज़ आती है, तो ये होता है स्क्रैचिंग ऑफ पेन, जब आप एग्जाम हॉल में होते हो और सब लोग पेपर लिख रहे होते हैं तो एक आवाज़ आती है पेन की ना, जिसकी जब पेपर पर चल रहा होता है उसको बोलते हैं स्क्रैचिंग साउंड, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि इट वॉज सो क्वाइट डैट एवरी वन कुड लिसन दैट पेन ओवर पेपर, इतनी चुपचाप था वहाँ पे। वंस सम बीटल्स ये होती हैं, देख लो कीड़ा होता है एक, ठीक है, लिखता है वन सम बीटल फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, यूजली बच्चे होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, हम जब छोटे होते थे हम सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते थे, ठीक है, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, ठीक है, नॉट इवन द लिटल्स, मतलब छोटे जो बच्चे थे ना क्लासरूम में, जो छोटी उम्र के बच्चे थे, वो भी उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे,
ठीक है, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दे फ्रेश हुक्स, मतलब वो बच्चे क्या करते हैं, वो ट्रेस करते, क्योंकि उनको लिखना तो आता नहीं था, तो व्हाट दे वर डूइंग, उनकी हैंड राइटिंग ऐसे जैसे फिश हुक्स होते थे, ठीक है, तो खराब हैंड राइटिंग होती थी, तो वो क्या करते थे छोटे बच्चे क्लास में जो और थे लिटिल वंस, तो वो ऊपर से ट्रेस कर रहे थे लिख के, हम लोग ट्रेस नहीं करते आर्ट वगैरह, तो वैसे बच्चे ट्रेस कर रहे थे बुक से, ठीक है, एज इफ, ठीक है, डैट वॉज फ्रेंच टू, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि उन्हें वो फ्रेंच के जैसे उसको ट्रेस कर रहे थे फिश हुक्स को, ठीक है, मान लो कि वो लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है, इतने मतलब फ्रेंच मुश्किल लगती थी ना उन लोग को, इसलिए ऐसा बोला उसने। फिर लिखता है ऑन द रूफ द पिजन्स कूड, पिजन्स कू की आवाज़ कर रहे थे, ठीक है, वेरी लो, लेकिन आवाज़ करते बहुत धीमे धीमे करते, जोर से नहीं बोल रहे थे, ठीक है, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे, ये दे कौन है, ये जर्मन्स हैं, ठीक है, जर्मन्स को रेफर करता है ये, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। यहाँ पे थोड़ा सा ना फिर से मैं कहूँगा ये पेट्रियाटिज्म वाली फीलिंग है कि मतलब वो कह रहा है कि जर्मन्स का ये हाल हो गया कि हमें लैंग्वेज चेंज करने के लिए बोल दिया, तो क्या ये पिजन्स को भी लैंग्वेज चेंज करवाएंगे अपनी, ठीक है, क्या उन पर भी डोमिनेट करेंगे जैसे हम पे डोमिनेट कर रहे हैं, तो राइट नाउ वो पिजन्स जो है ना वो इनडायरेक्टली सिग्निफाई कर रहे हैं पीपल ऑफ एल्सेस, ठीक है, वो पिजन्स को पीपल ऑफ एल्सेस के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि जैसे पीपल ऑफ एल्सेस ने अपनी मदर टंग खो दी है, वैसे क्या पिजन्स भी अपनी लैंग्वेज खो देंगे, तो ये उसने बोलने की कोशिश करी है, ठीक है। सो पिजन्स ऑन द रूफ दे वर कूइंग वेरी लो, बहुत धीरे धीरे कू की आवाज़ निकाल रहे थे वो। फिर आगे देखिए हर्ष क्या पूछ रहे हैं, यूपी बोर्ड का करवाऊंगा जतन, यूपी बोर्ड का आगे करेंगे। टेल न्यूसेंस का मीनिंग वायलेंस नहीं होता, देखो न्यूसेंस का मीनिंग वायलेंस नहीं होता, न्यूसेंस का मीनिंग हिंसा नहीं होता, न्यूसेंस होता है सिरदर्द, न्यूसेंस की वजह से वायलेंस होती है हर्ष, न्यूसेंस की वजह से लड़ाई होती है, न्यूसेंस की वजह से वायलेंस होती है, ठीक है। चलो आगे पढ़ो, लिखता है ये व्हेन एम आई लुक्ड अप फ्रॉम माय राइटिंग, ठीक है, आई सॉ एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट द अदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, ठीक है, मतलब जैसे उसने अपनी हैंड राइटिंग जब लिख रहा था, वो लिखते थे जैसे उसने ऊपर देखा, उसने देखा मिस्टर एम हैमल जो थे अपने चेयर पर बैठे हुए थे चुपचाप बिल्कुल, ठीक है, ही वॉज मोशनलेस, स्तब्ध बैठे हुए थे, ठीक है। फिर बोलते हैं एंड गेजिंग, गेजिंग होता है टकटकी बांध कर देखना, लगातार देखते रहना चीज़ को, ठीक है, ही वॉज गेजिंग एट वन थिंग एंड देन दी अदर, एक चीज़ को देखते फिर दूसरी चीज़ को देख रहे थे, ठीक है, मानो कि वो सब चीज़ों को ना भाई एक मेमोराइज कर रहे थे एक तरह से कि देखो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि कल से तो मैं यहाँ हूँ नहीं, तो इसने बोला मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे थे वो, ठीक है। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडोज एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब बोलते हैं कि कितने साल से 40 years से वो लगातार उन चीज़ों को देखते हुए आदित्यन उसके हो गए थे, आदि हो गए थे बच्चा वो, ठीक है। फिर लिखता है ये ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉन्ट स्मूथ, मतलब यूज़ के साथ में जो डेस्क और बेंचेस थे वो थोड़े से स्मूथ हो गए थे, ठीक है। द वॉलनट ट्री, जो अखरोट का पेड़ था, वॉलनट ट्री होता है अखरोट का पेड़, ठीक है, द वॉलनट ट्रीज, ठीक है, इन द गार्डन वर टॉलर एंड द हॉप वाइंस, ठीक है, वहाँ उसने जो हॉप वाइंस प्लांट करी थी, ठीक है, तो इस तरह से बोला कि वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, वो ट्वाइन हो गई थी, इस तरह से बोलते हैं हॉप वाइन होती हैं ये, ठीक है, तो ये इसको पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके, ठीक है, तो वेरी मच लाइक जो हॉप वाइंस थी वो ट्विस्ट करके थी ऐसे, ठीक है। देन उसके बाद प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, ठीक है, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, मतलब बेचारा आदमी कितना उसका दिल टूटा होगा इसमें छोड़ने के लिए उसको, टू हियर ए सिस्टर मूविंग अबाउट, ठीक है, इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, ठीक है, मतलब उनको पैकिंग चल रही थी पूरी सिस्टम की, सब चीज़ें पैक कर रही थी क्योंकि वो कंट्री से जा रहे थे अगले दिन, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया अबाउट मिस्टर एम हैमल एंड हिज थिंग्स अराउंड हिम, जिसको वो देख रहे थे, ठीक है, बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन, ठीक है, टू द वेरी लास्ट, ठीक है, आफ्टर राइटिंग, ठीक है, मतलब पहले ग्रामर पढ़ाया फिर राइटिंग करवाया, दे हैज अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बू, मतलब उन्होंने जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन थे वो अपने बोले बच्चों ने, ठीक है, छोटे वाले बच्चों ने, ठीक है। आगे देखते हैं डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम हॉजर जो था, ठीक है, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मे लगा लिए थे, ठीक है, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, ये देम किसके साथ था, बेबीज के साथ में, जो क्योंकि ऑजर जो था, ऑजर के पास में बेसिक स्किल्स भी नहीं थी लैंग्वेज की, तो हाउजर ने क्या करा, इसने क्या करा, वो छोटे जो बच्चे थे जो बेबीज थे इनके साथ में वो बेसिक प्रोनाउंसिएशन की जो किताब थी उसके पास प्राइमर, उससे बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर लिखता है यू कुड सी दैट दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, मतलब वो रो रहा था, ही वॉज इमोशनल, क्योंकि उसको पता था मैं आगे नहीं सीख पाऊंगा इस लैंग्वेज को, वो रिस्पेक्ट देने के लिए आए हुए थे विलेजर्स वहाँ पे सब लोग। फिर लिखता है इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट, अगेन हंसी भी आ रही थी इन लोगों को, उनको दुख भी हो रहा था कि यार इस पर हंसे या इस पर रोएं, क्योंकि जिस तरह से वो बोल रहा था उस पर हंसी भी आ रही थी, ठीक है, एंड अगेन
दे वॉन्टेड टू लव, ठीक है, बट स्टिल दे वर क्राइंग, मतलब उनको हंसी तो आई थी लेकिन स्टिल बच्चे वो रो रहे थे क्योंकि दे वर इमोशनल अबाउट द लैंग्वेज. ठीक है, फिर लिखता है हाउ वेल आई रिमेंबर इट, ठीक है, द लास्ट लेसन, कितना इसको याद पड़ा यार वो दिन जब मैंने आखिरी लेसन पढ़ा था. ठीक है, ग्लूमी का मतलब होता है दुखी, सैड, ग्लूमी होता है दुखी, सैड, अंधकार में. आदित्य ग्लूमी का मतलब होता है सैड या अंधकार में. ठीक है, आगे देखो, बस ये लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद ये एंड हो जाएगा. ठीक है, आगे देखो उसमें क्या लिखते हैं, ये ग्लूमी का मीनिंग मिल गया आदित्य, सैड होता है ग्लूमी का मतलब दुखी. ठीक है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक, जो चर्च में घंटा घर था ना उसमें जो उसकी क्लॉक थी, ठीक है, अचानक एट ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, मतलब चर्च की जो घंटा था, घंटा उसमें जो बेल लगी होती है, घड़ी जो लगी होती है उसमें 12 बजे, एंड देन द एंजेलस. अब एंजेलस जो होता है ये एक प्रेयर होती है, इसको तीन जो रोमन कैथोलिक्स होते हैं ये 3 times प्रेयर करते हैं. ठीक है, तो 3 times प्रेयर करते हैं, उसका नाम होता है एंजेलस. ठीक है, ये प्रेयर का नाम है, नोट कर लेना बाद में ध्यान से. हाँ ठीक है, फिर लिखता है एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, ट्रम्पेट्स आए थे ना अपने ड्रिल से, तो ट्रम्पेट्स बजाते, ब्यूगल बजाते हुए इस तरह से. ठीक है, ट्रम्पेट्स रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, ठीक है, साउंडेड अंडर द विंडोज. ठीक है, एम एमएल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, ठीक है, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मतलब एम एम एल खड़े हुए, लेकिन जब उसने बोला ना कि इतने कॉन्फिडेंस कभी मेरे को मिस्टर एम एम एल में नहीं दिखा, द वे ही स्टूड अप ही सीम टू बी टॉलर. ठीक है, जब ये एक तरह का ये जो वर्ड है लुक सो टॉल, ये दिखाता है द प्राइड इन एम हैमल. ही वॉज सैड, ही वॉज सो सैड कि वो बिल्कुल पेल पड़ गए थे, वो पीले पड़ गए थे, इतने सैड थे वो, लेकिन जब वो खड़े हुए फ्रॉम हिज चेयर तो ही लुक टॉलर, मतलब ही स्टूड टॉल, मतलब वो स्टिल अपने डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हुए वहाँ पे. ठीक है, फिर लिखता है माई फ्रेंड्स ही सेड, ठीक है, आए आए ऐसे करके, लेकिन वो बोल नहीं पाए कुछ, ही चोक्ड, चोकता था उनका गला, ऐसा लग रहा था कुछ फंस गया उनके गले में. ठीक है, ही चोक्ड, अगेन लिखता है ही कुड नॉट गो ऑन, ठीक है, वो आगे नहीं बोल पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेरिंग, ठीक है, ऑन विद ऑल इज माइट, और पूरा दम लगा करके उन्होंने, ठीक है, क्या लिखा, लार्ज एज लार्ज एज ए कोड, जितना वो बड़ा लिख सकते थे उन्होंने क्या लिखा, वेव लॉ फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब वो बोलते हैं फ्रांस जियो तुम. ठीक है, ये बोला उन्होंने, तो बोलते हैं ये पेट्रोटिज्म है उनकी. ठीक है, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, ऐसे वॉल से सिलक के खड़े हो गए. ठीक है, एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने एक हाथ से ऐसे एक्शन करा, ठीक है, जेस्चर करा उन्होंने टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, मतलब उन्हें हाथ से ऐसे जेस्टर करा कि भाई स्कूल अब खत्म हो गया, तुम जा सकते हो. ठीक है, तो बच्चों ये था लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी ऑफ द लास्ट चैप्टर, ठीक है, बाय अल्फोंसो डॉडेट. ठीक है, ध्यान से इसको वीडियो को दोबारा देखना, अभी थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं. आदित्य फिर से लिख दो बेटा, आदित्य मुझसे पूछ रहा है ग्लूमी का मीनिंग क्या है. आदित्य ग्लूमी का मतलब होता है सैड, जैसे अभी आपने मुझे बना के भेजा ना फेस, उसमें ये सैड वाला है, ग्लूमी का मतलब होता है सैड, दुखी. ठीक है बच्चा, आदित्य आदित्य पांडे ग्लूमी का मतलब दुखी होता है मेरे बच्चे, अंडरस्टूड. चलो जी, नाउ दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन पार्ट, ये तो एक्सप्लेनेशन हुआ, अब देखो आगे क्या है. आई हैव अ मूवी, ठीक है, आगे जो है वो भाई है एक मूवी, अभी देख के जाएंगे ताकि जब नेक्स्ट वीक में मिलेंगे तब क्वेश्चन आंसर्स करें. ठीक है, ये मूवी है, ये ध्यान रखना, इसमें कैरेक्टर्स के कुछ नाम चेंज हुए हैं. ठीक है, बिकॉज ये एक अडेप्टेशन है, ये अडेप्टेशन है ऑफ द स्टोरी, मतलब इसमें आपको एग्जैक्टली एज इट इज स्टोरी वाले कैरेक्टर्स वाले नाम नहीं मिलेंगे, लेकिन वॉट आई वॉन्ट यू टू लर्न कि ये देखो उसके अंदर, इस मूवी को देखने के बाद में, छोटी सी मूवी, ज़्यादा बड़ी नहीं है. ठीक है, मूवी को देखने के बाद आप ये समझो कि इसमें स्टोरी की जो आउटलाइन एक हमारे को मिलती है, ठीक है, उस दिन का क्या फील था वो आपको जज करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपको याद रह जाएगा. ठीक है, इसमें वो जो एम एम एल, उसका नाम एम एम एल जो है वो फ्रांस नहीं कहते, उसका नाम चेंज कर दिया. ठीक है, कुछ एक आध डिटेल्स आपको हल्की सी अलग मिलेंगी, लेकिन ओवरऑल जो स्टोरी है वो यही है. ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि अडेप्टेशन है ये. ठीक है, सो आज यहाँ एंड कर, इस पर मूवी के बाद एंड करेंगे. ठीक है, 10 मिनट मुश्किल से भी नहीं लगने, उसके बाद में PDFs जो हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी. ठीक है, ऑन द लिंक्स जो आपको दिए गए हैं. ठीक है, PDFs अवेलेबल नहीं है तो मैं इंश्योर करूंगा वो अवेलेबल हो जाएं. ठीक है, सो आगे देखो आज का लास्ट पार्ट, द मूवी द लास्ट लेसन.
वॉच द मूवी वेरी केयरफुली बच्चों. Lesson and participles. Is there more bad news? You'll find out soon enough. Now run along to school. But Victor. Never mind. Today you better be in school. There, you're late already. Now run. Run. Now, Passois is France. Passois is France. What's the matter with you today? Villagers sitting on the back benches. These villagers have come to show their respect to Amhamel and French language for their country. My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin that we are no longer to be French. After today, only German is to be taught in our schools. The German master is on his way here, and when he arrives, I shall leave you. This is the last lesson in our own language. See how sad he looks right now. I want you all to be very attentive. The first form will begin with LFS. Ready? Abba. Little ones pronouncing ba baby boo. See Hauser. Hauser with his spectacles and a primer in his hand. Even the pigeons, will they make them sing in German? Let's go to the lesson on participles and infinitives. Passois. Passois again is France. The rule for the participle. When the present participle follows the verb. He got stuck in the first line, see? To be. To be. When the present participle follows the verb to be, it is like a legend. You know it. I never could learn that rule myself. It is. It agrees like an adjective. It agrees like an adjective. And you don't have to go on, François. And do not blame yourself. See, important line here. It is we, the older ones, who are really at fault. Every day we've said to ourselves, we have plenty of time. We can do it tomorrow. That was a great problem with France. She has put off learning her lessons until tomorrow. Lessons far more important than the rule for the participle. And now it's too late. They have taken our country away from us. See, the Prussians marching.
Everyone is emotional in the room. Madeleine, the German master will soon be here. You wouldn't want him to see you cry. We will not have our lesson in reading today. Now this is an adaptation, so there are a few differences, guys. Adaptation and thoda sa alag alag hai. It is as if they had the key to that prison. Yes, Roshan, he is criticizing. Yes. I shall bring to you some words that were written by Victor Hugo. As long as there is a Frenchman alive, these words will live. In times like these, let us not despair. For to despair is to desert France. The friends of our oppressors tell us that liberty is dead. Why do you cling to hope? They ask. Why indeed? Have they forgotten that we're Frenchmen? That freedom is our birthright? That life without liberty is living death? From within the deep shadows of this present, watch the French people. Their leaders have mouthed the words of surrender, which find no echo in their hearts. Mohan Chauhan, you are late. They are silent, but each knows what is in the other's thought. On each man engraved the names of all executioners. They live for the day of reckoning, when truth shall return once more, and freedom renew her cry, calling the people of France to rise and sweep before them all the monuments and all the works of ancient and determined despotism. Now see what he writes on the board. Vive la France. Look at the sadness on his face now. So my dear students, this was a short movie. It's an adaptation again. Keep in mind, ये adaptation था. इसमें कुछ characters के नाम change हुए थे. थोड़ी बहुत storyline हल्की सी बदली उन्होंने. लेकिन you must have got the gist of this. मतलब उसमें किस तरह से patriotism दिखाया and all that detail. तो ये एक movie था. इस तरह से आपको याद रखने में easy पड़ेगा. Okay. Now for the next week. Next week में what classwork is left in this particular chapter are the important questions with the right answers. सब तरफ के हमें देखने हैं short, long, सब तरह के questions देखेंगे with their best answers. ठीक है? So I hope you will keep studying, work hard at home. Chapter khatam hone hi wala hai. Agli class mein end ho jayega chapter. Okay? So, aaj hi pe end karte hain. I hope aapko samajh aaya hoga. If there is a problem, to please message se bata dijiyega. WhatsApp number niche diye gaye hain description mein, aap bata sakte hain. And again, next week jab miloge, I want you all to come prepared. Pura story ka apna revise karke aana. Theek hai? Puri jitni videos hain sab dekh karke aana. Theek hai? Thank you so much. See you.